जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम मेरे पास ये ब्रोकन कप पड़े हुए थे तीन, और इसका मैंने एक DIY बना के तैयार किया है। आज देखिए दोस्तों, इसका मैंने एक फॉइल लगा के देखिए इस टाइप से भैंसा बनाएंगे किसका। देखिए इस टाइप से ऊपर से कम और नीचे से थोड़ा सा चौड़ा इस टाइप से मैंने इसको लगा लिया है फॉइल को। देखिए जो वेस्ट पड़े होते हैं हमारे पास फॉइल, और ये क्ले है, मोल्डेड क्ले आती है दोस्तों ये। और इसको अगर कुछ भी हम बनाना चाहें इसका तो आसानी से बन जाता है। ये दो पैकेट लिए हैं मैंने, और दोनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे बिल्कुल, और इस टाइप से मिलानी पड़ती है ये बिल्कुल बढ़िया, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो उस टाइप से बनानी पड़ती है बिल्कुल मैश कर करके। इसको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छी तरह से चिपक जाती हैं, और सिंगल नहीं चिपकती दोस्तों। कभी सिंगल लगाई हो तो नहीं चिपकेगी, डबल करके चिपकेगी दोनों मिक्स करके। और ये पाउडर लिया है मैंने, वेस्ट पाउडर पड़ा हुआ है मेरे पास, और ये देखिए इस टाइप से मैंने इसको बेल लिया है, और इसके ऊपर हम फैलाएंगे इसको देखिए इस टाइप से। और फेविकॉल लगा के फिर ही चिपकती है ये देखिए इस टाइप से। हम इसके जो मुंह बनाया है इसका देखिए इस टाइप से फेस बनाया है, नीचे से थोड़ा सा चौड़ा और ऊपर से थोड़ा सा कम चौड़ा। देखिए इस टाइप से हम अच्छी तरह से इसको चिपका लेंगे इस टाइप से। इसको सूखने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, और इस टाइप से अच्छी तरह से इसको अंदर की साइड दबा दबा के चिपका लेंगे ये देखिए इस टाइप से, और इसको सेट कर देंगे अच्छी तरह से देखिए इस टाइप से। और फिर हम लेंगे ये क्ले लेंगे थोड़ी सी, और इससे हम इसके ईयर बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए इस टाइप से, मेरे पास टूल्स नहीं है, हम इससे ही कर लेती हूँ मैं। देखिए पाउडर का जो ढक्कन है इससे मैंने कर लिया। ये देखिए हमने इसके भैंसे के हमने ये ईयर बना दिए दोनों साइड से, इसी टाइप से चिपकाएंगे दोस्तों, और बिल्कुल आसानी से चिपक जाते हैं ये और ना ही खराब होते, और इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। देखिए इस टाइप से हमने दोनों ईयर बना दिए हैं। अब इसकी बनाएंगे छोटी छोटी आइस आइस, और ये बनाएंगे हम इसके सिंग सिंग और आइस बना देंगे इसकी, इस टाइप से चिपका देंगे हम। ये देखिए इस टाइप से इसको अच्छी तरह से, बार बार गिर रहा था मेरे से, और फिर इसको थोड़ा सूखने के बाद सेट हो जाता है, तो हम दूसरा सिंग बनाएंगे देखिए इसका। इस टाइप से लगा देंगे फेविकॉल के साइज से, देखिए बार बार गिर रहा था, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पकड़ के बैठना पड़ेगा थोड़ी सी देर, फिर ये अच्छे से चिपक जाएगा देखिए इस टाइप से। ये थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा साइड में हो गया था दोस्तों, और ये देखिए तो छोटी छोटी गोल गोल आइस बनाएंगे हम इसकी, और चिपका देंगे इसके ऊपर फेविकॉल से ही। ये देखिए छोटी छोटी आइस बनाई हैं, चिपका दी देखिए इस टाइप से। और हम इसके अब बनाएंगे हम इसके चार पैर गोलियां बना लेंगे गोल गोल, और उस टाइप से जैसे फुट होते हैं भैंसे के वैसे ही चिपका देंगे देखिए इस टाइप से, चारों तरफ चिपका देंगे ताकि इससे ऐसे लगेगा कि इसके पैर हैं, ये बैठी हुई है। देखिए चारों साइडों में मैंने इस टाइप से चिपका लिया है दोस्तों, और इस टाइप से हम हमारे किसी भी चीज़ को फेंकने के सिवा हम कुछ ना कुछ उसका बना सकते हैं देखिए। और इनमें प्लांट बहुत काफ़ी अच्छे चलेंगे। ये देखिए ये बना लिया, बना के हमने तैयार कर लिए हैं, और इसको थोड़ा सा सूखने का टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 घंटे रख दूंगी, मैंने सूखा लिया है 2-3 घंटे। उसके बाद हम इसके ऊपर व्हाइट पेंट करेंगे। देखिए पूरे पे अक्रेलिक पेंट यूज़ करते हैं दोस्तों मैं, हम तो जो अंदर हमारे DIY लकने होते हैं वो उसके ऊपर मैं अक्रेलिक पेंट यूज करती हूँ, और बाकी सबके पास हम मैं एशियन पेंट यूज करती हूँ दोस्तों। देखिए इस टाइप से पूरे कप पे मैंने कर लिया और सिखो सुखा लिया है, और जो इसके ईयर हैं दोस्तों इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर करूंगी
एक्रेलिक पेंट ही। ये देखिए ये 12 का बॉक्स लिया हुआ है मैंने, 12 आते हैं इसमें कलर। और इस टाइप से इसकी थोड़ी सी आईसो में, थोड़ी थोड़ी आईसो में ब्लैक कलर करेंगे, देखिए इस टाइप से गोल गोल। और इसकी हम बनाएंगे नोज, देखिए इस टाइप से बड़ी सी नोज बना लेंगे, इस टाइप से भैंसे की होती हैं, देखिए इस टाइप से। और ये अच्छी लगेगी, देखिए लग रहा है ना वैसा। और ये स्क्वायर टाइप के हम बना लेंगे, जो भैंसे के मतलब होते हैं जो, ये देखिए इस टाइप से मैंने ये बना लिए हैं स्क्वायर टाइप में। और इसके जो पैर हैं दोस्तों, उस पर मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। और ये हमने आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हैं अभी तो मैंने, बाकी मैं इसमें ओरिजिनल प्लांट लगाऊंगी नेचुरल। और देखिए हमारे ये DIY बनके तैयार है दोस्तों, आप लोगों को कैसे लगे ये ब्रोकन कप के DIY मेरा। और ये भैंसे हमारे बनके तैयार हैं, छोटे से क्यूट से हैं बिल्कुल, और काफ़ी सुंदर लगती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में। और हम आज के टाइम में कुछ भी नहीं फेंक सकते दोस्तों, क्योंकि अगर उन ये इतने कॉस्टली आते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे सर्च कीजिएगा। ये भैंसे मैंने 1900 रुपए की देखी थी, और देखिए हमारे घर पे ही बन के तैयार है, और कुछ भी नहीं खर्चा आया हमारा, और कम खर्चे में हमारे भैंसे बन के तैयार हैं। और छोटी सी मटकी है मेरे पास जो दिवाली पे काम आती हैं, वो फ्री में वेस्ट पड़ी हुई थी। और देखिए मैंने पहले उसके ऊपर मैंने ग्लॉसी पेंट किया, फिर मैंने उसके ऊपर एशियन पेंट किया, देखिए दोस्तों ब्लैक कलर का। और इससे हम एक छोटा सा डोगी बनाएंगे, और बहुत ही सुंदर लगेगा दोस्तों, देखिएगा। ये मैंने मोल्डेड क्ले ली है, दोनों को हम मिक्स करके और लगा देते हैं, देखिए इस टाइप से। ये इसकी नोज बनाई है, ये देखिए इस टाइप से मैंने बनाया है ये डिज़ाइन। और इसके ऊपर दोस्तों पहले ग्लू लगानी बहुत ज़रूरी है, इससे ये चिपकती है, और अदरवाइज ये चिपकती नहीं है, और सूखने के बाद बहुत ही हार्डी हो जाती है, ये उतरती नहीं है, देखिए इस टाइप से। और इसकी नोज में दो ऐसे छेद करेंगे, देखिए इस प्रकार से। और इसके ऊपर थोड़े छोटे छोटे से ब्रश के पीछे के हिस्से से हम, जैसे ये स्केच हो गया या ब्रश का पीछे का हिस्से से, थोड़े छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे, देखिए इस तरह से डॉट्स बनाएंगे, ताकि बिल्कुल डोगे के माउथ की लुक आए। इस टाइप से बना लिया है मैंने, देखिए। और अच्छी तरह से इसको सेट कर देंगे, दोनों को चिपका देंगे इससे। और ये बना है हमारा। और इसके बाद हम बनाएंगे इसकी आईज, दोनों साइडों में हम ग्लू लगा लेंगे पहले। और छोटी छोटी गोलियां बना ली है मैंने इसकी मोल्डर क्ले की, और देखिए इस टाइप से इसको चिपका देंगे, देखिए। और उसी टाइप से ब्रश की हेल्प से इसके अंदर हम छोटे छोटे से उसी प्रकार से छेद करेंगे दोस्तों, ताकि ये लगे कि आईज हैं इसकी, देखिए इस टाइप से। ये माचिस की तिल्ली थी मेरे पास, इससे मैंने इसके अंदर छोटे छोटे होल कर लिए हैं, देखिए, ताकि इसकी आईज ऐसे लगे अंदर की साइड धसी हुई, देखिए। और फिर इसके बनाएंगे हम डोकी के बनाएंगे हम ईयर, ये टंग बनाएंगे पहले, ये देखिए इस टाइप से मैंने इसकी टंग लगा दी है, ये देखिए कुछ लंबी सी टंग बनाई है मैंने ये, और इसे ग्लू से चिपका दी है अच्छी तरह से। और अब बनाएंगे दोस्तों हम दो बड़े बड़े क्ले ले लेंगे, और उसको गुलाई में शेप देंगे। और इसके हम इससे बनाएंगे ईयर, ये देखिए थोड़ा सा पाउडर डालेंगे हम नीचे, और फिर इसको इस टाइप से बेल लेंगे किसी भी चीज़ की हेल्प से, इसको
बेल लेंगे। ये मैंने इसके बड़े बड़े ईयर्स बनाए हैं, देखिए दोनों। इसको ऐसे लगा के देखेंगे ठीक बन रहे हैं कि नहीं। देखिए इस टाइप से मैंने इसको लगा के देखा है और काफ़ी सुंदर लुक आएगी इसकी, देखिए इस टाइप से। और इसको हम ग्लू की हेल्प से अब चिपका देंगे दोस्तों। और सेम बनाए हैं दोनों, ताकि बड़े छोटे हो जाए तो फिर गंदे लगते हैं वो। देखिए इस टाइप से बनाए हैं और नीचे से थोड़ा सा उठाएंगे इसको, ईयर को, ताकि देखने में लगे हाँ भाई ईयर है। देखिए इस टाइप से उठा हुआ ईयर छोटा सा। देखिए इस टाइप से हम दूसरा भी चिपका देंगे। और ये मोल्डेड क्लिप दोस्तों ऐसी होती है, कुछ भी बना लो इसका और बिल्कुल ऐसे की ऐसे सेट हो जाती है ये। कुछ भी बना लो इससे, हर प्रकार की चीज़ें बन जाती हैं। देखिए इस टाइप से उठा लेंगे और जैसी शेप देंगे इसको वैसी ही शेप ये ले लेती है। लग रहा है ना बिल्कुल डॉगी, और इसको ब्लैक कलर दिया है मैंने डॉगी को। इस टाइप से छोटी छोटी सीजर की हेल्प से ऐसे लाइनें बना देंगे, ऐसे लगेगा जैसे ये ईयर हैं, और चिपक भी जाएगी ये अच्छे से। देखिए इस टाइप से बना लेंगे हम दोनों ईयर पे, सेम करेंगे देखिए इस टाइप से। और एक ऐसे ही लाइन बना देंगे टंग के अंदर, इससे लगे और जैसे मतलब टंग का लुक आ रहा है अच्छा, देखिए। और हम इस पे पहले मैंने एशियन पेंट किया था दोस्तों, इस पे मटकी पे, छोटी सी मटकी है ये। और फिर इसके बाद मैंने जो क्ले होती है जिससे डिजाइन बनाया है डोगे का, उसके ऊपर मैंने ये एक्रेलिक पेंट यूज किए हैं दोस्तों। एक्रेलिक पेंट ही यूज करती हूँ, जो अंदर वाले DIY होते हैं उनके पास ऊपर मैं एक्रेलिक पेंट करती हूँ, और जो बाहर रखने के होते हैं उस पर मैं एशियन पेंट यूज करती हूँ, क्योंकि बाहर एशियन पेंट जल्दी से खराब नहीं होते। और ये जो है एक्रेलिक पेंट है जो, ये बाहर ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। ये देखिए इस टाइप से हम नोज में, आईज में और फुट में, ईयर में मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट कर लिया है, देखिए इस टाइप से। और जो टंग है इससे मैंने पिंक कलर किया है, देखिए ये टंग में कर लेंगे पूरी में, देखिए इस टाइप से पूरी में कर लिया मैंने। और डबल कोट दे देंगे इसका, ताकि ये ब्लैक क्ले ना दिखे नीचे से। और इस टाइप से मैंने इसको कर लिया है। और अब हमने जो ये साइडों में, नोज के साइडों में बने होते हैं, इसके ऊपर मैंने किया है ये स्किन कलर, लाइट ऑरेंज लगा लो, लाइट ऑरेंज कलर ही किया है मैंने। देखिए ये इस टाइप से किया है दोस्तों, ऑरेंज में थोड़ा वाइट कलर मिला के मिलाया है, देखिए। और इस टाइप से इसको अच्छी तरह से, जो मैंने डॉट्स बनाए थे इसके अंदर, उनमें भी अच्छी तरह से कलर कर लेंगे, ताकि वो बाद में दिखे ना। ये हमारा डोगी तो बनके तैयार है। अब इसके अंदर हम मिट्टी लाल के दोस्तों लगाएंगे पोर्चुलका का प्लांट। देखिए मैंने मल्टी शेड में लगा दी है पोर्चुलका, और पोर्चुलका काफ़ी अच्छी लगती है दोस्तों लगाई हुई, क्योंकि ये ब्लैक हो गया ना, और इसमें मल्टी कलर काफ़ी अच्छे लगे देखे लगाने के बाद। और ये मैंने बाहर ही रख दिया है पोर्चुलका लगा के, क्योंकि अंदर तो पोर्चुलका चलती नहीं है, बाहर धूप में ही खिलती है ये। देखिए इस टाइप से हमारा डॉगी बनके तैयार है। छोटी सी जो मटकी है उसका कितना अच्छा यूज हुआ है देखिए, और बिल्कुल कोई भी चीज हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ यूज हमारे घर में जरूर कर लेना चाहिए। और इसी तरह से देखिए छोटी छोटी चीजों से हमारा घर डेकोर हो जाता है, और जरूर कीजिएगा दोस्तों। और टूटे हुए कप से इसकी हैंडल टूट गई थी, इससे हम एक छोटा सा एलिफेंट बनाएंगे। ये देखिए मैंने मोल्डेड क्ले ली है, दो टाइप की आती है ये, और इसको क्या क्या मैंने मिक्स कर लिया है दोनों को। और ये देखिए फॉइल से, देखिए इस प्रकार से बनाना सिखा रही हूँ, देखिए मैं इस टाइप से हम इसकी सोंड बनाएंगे। देखिए ऊपर से थोड़ी मोटी, जैसे
इसका फेस होता है और नीचे से सूंड की टाइप में, देखिए इस टाइप से बनाएंगे हम फॉइल की हेल्प से, देखिए। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम फेविकोल की हेल्प से इसको चिपकाएंगे फॉइल को, देखिए इस टाइप से। हम जो ये टूटा हुआ जो इसकी स्टैंड है, जो टूटी हुई हैंडल है इसकी, देखिए इसके ऊपर चिपका देंगे ताकि ये भी ना लगे कि टूटा हुआ है ये कप। देखिए इस टाइप से हमने इसकी सूंड और फेस बना लिया गया, इसको अच्छी तरह से शेप दे देंगे और इसको थोड़ा सा रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब लेंगे हम मोल्डेड क्ले, ये पूरी क्ले ली है मैंने और इसमें से हाफ कट करके मैं इस प्रकार से बेल लूंगी इसको, जैसे रोटी बनाते हैं इस टाइप से बना लूंगी शेप इसकी। और देखिए इसके ऊपर आराम से इसको सेट कर देंगे, पहले इसको फेविकोल लगाते हैं इसके ऊपर, फिर इसको चिपकाते हैं, देखिए। और ये इतनी अच्छी तरह से चिपकती है दोस्तों, मतलब उतरती नहीं है ये बिल्कुल भी, मतलब इतनी पक्की होती है ये, देखिए। इस प्रकार से सीजर की हेल्प से मैं इसको दबा दबा दूंगी साइडों से। और ये लेंगे हम मोल्डेड क्ले के दो पार्ट, इनमें से एक थोड़े में ज़्यादा हो गया था, और इस टाइप से गोलाई में करके इसके ईयर बनाएंगे हम, इस टाइप से देखिए गोल गोल बना के, और गोलाई में इसके ईयर बनाएंगे इस टाइप से, देखिए। और वही फेविकोल की सहायता से इसको चिपका देंगे सूंड के पास, देखिए इस प्रकार के इसके फेस के पास इस प्रकार से चिपका देंगे, और दोनों ईयर इस प्रकार से ही लगा देंगे हम, बिना फेविकोल के चिपकती नहीं है, फिर उतर जाती है, इसलिए फेविकोल लगाना जरूरी होता है। उस टाइप से हम दोनों ईयर इसके चिपका देंगे अच्छी तरह से बिल्कुल, देखिए इस टाइप से सेट कर देंगे इसको अच्छी तरह से दोनों ईयर्स को। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम चिपकाने के बाद इसके जो फुट हैं, इसके पैर बनाएंगे, दो पैर बना देंगे आगे वाले, ये देखिए इस प्रकार से। तो हमने चिपका दिए, मैंने इसके गुलाई में पैर बना दिए जिस प्रकार से शेप होती हैं। थोड़ा सीजर की हेल्प से इसको इसमें लाइनें बना देंगे ताकि ये लगे कि इसके फुट हैं ये। ये देखिए इस प्रकार की शेप। तो हमने ये अक्रैलिक पेंट लिया है दोस्तों, ये देखिए अक्रैलिक पेंट वाइट लिया है मैंने, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर हम वाइट कलर करेंगे इस प्रकार से। डबल कोट मारना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नहीं तो ये ब्लैक ब्लैक दिखती है नीचे से, देखिए डबल कोट कर दिया है मैंने और सुखा लिया है। फिर इसकी बनाएंगे छोटी छोटी आईज बनाएंगे इसकी दोनों, देखिए इस प्रकार से आईज बना दी मैंने इसकी। और फिर इसके फुट में जो लाइनें बनाई थी उनमें भी हम ब्लैक ही कलर रखेंगे, एक्रेलिक पेंट ही है ये देखिए ये अंदर बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और काफ़ी समय तक चलते हैं, देखिए इस प्रकार से मैंने ये उसके फुट बनाए हैं। जो ईयर्स होते हैं दोस्तों इसके सेम भी हम छोटी छोटी लाइनें बना रहे हैं, देखिए इस प्रकार से ये हमारा एलिफेंट बन के तैयार है। इसमें मैंने टर्टल वाइन लगा दी है, देखिए मैंने ये मनी प्लांट है इसकी बास्केट में रखा है एक मैंने इसको, और एक मैं रखूंगी बड़े बड़ा जो पोट है मैंने टर्टल वाइन ही लगा रखी है उसमें, ये देखिए इस प्रकार से टर्टल वाइन के प्लांट में रख दिया मैंने, देखिए। और ऐसी लुक आ रही है जैसे मतलब एलिफेंट खड़ा है जंगल में। और देखिए ये हमारा बनके तैयार है दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा। क्ले पॉट पड़ा हुआ था मेरे पास जो दिवाली को लेके आते हैं हम, देखिए वेस्ट था ये। और इस पे पहले मैंने वाइट प्राइमर किया, फिर मैंने इसके ऊपर रेड कलर किया दोस्तों जो एशियन पेंट होते हैं। और फिर देखिए मोल्डेड क्ले ली है, टू पेयर में आती है ये, दोनों को मिक्स करके यूज करना होता है, देखिए इस प्रकार के। हम इसको ओपन कर लेंगे और फिर अच्छी तरह से मिलाएंगे, देखिए दोस्तों इस प्रकार से बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करेंगे इसको, ये देखिए ऐसी हो जाती है ये। फिर हम ये कोई भी पाउडर होता है, मेरे पास ये वेस्ट पड़ा हुआ था, तो फिर इसकी हेल्प से हम
और इसको इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए राउंड शेप में लगाएंगे इसको, ये देखिए डोरी टाइप में बना के इस टाइप से हम चिपका लेंगे। और इसके बाद हम थोड़ी सी गोलाई में लेंगे क्ले और इसका एक सर्कल टाइप में बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से। और इसको हम जो हिस्सा बचा हुआ है उसके ऊपर सेट कर देंगे, देखिए इस प्रकार से। बाहर से नॉइस आ रही है दोस्तों, उसको अवॉइड अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं बाहर से। देखिए इस प्रकार से हमने चिपका के फिर हमने इसकी आईज चिपका ली दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसकी दोनों आई चिपका ली हैं। देखिए इस प्रकार से कुछ ही देर में ये सेट हो जाएगी। और अब इसकी हम बनाएंगे नोज़, देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा चपटे आकार में हमने बना लिया है इसकी नोज़, देखिए इस प्रकार से। और फिर इसके नोज़ के पास हम इसके चिक्स बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से। थोड़े बड़े हो गए हैं, इसको मैं थोड़े से कट करूँगी क्योंकि थोड़े से सर्कल बड़े बन गए हैं, देखिए इसको थोड़ा सा कट करूँगी मैं और छोटे बना के फिर इस प्रकार के इसके चिक्स बनाएंगे। असल में एक कैटी बना रहे हैं हम, कैटी प्लांटर बना रहे हैं, प्लांटर हो या फिर पेन होल्डर हो, कुछ भी हो मतलब यूज़ कर सकते हैं आप इसको। देखिए इसकी टंग बनाएंगे हम और अच्छे से इसको चिपका देंगे, देखिए इस प्रकार से इसको सेट कर देंगे। और फिर हम इसकी ईयर्स चिपकाएंगे, दो ईयर्स बना के ट्रायंगल शेप में, ये देखिए दोनों मैंने ईयर चिपका दिए हैं। और फिर इसके दोनों हैंड्स, हैंड्स की शेप में बनाएंगे इसके हैंड, देखिए इस प्रकार से चिपका देंगे। ऐसे लगेगा जैसे इसने ये मटकी को पकड़ा हुआ है, देखिए इस प्रकार से। और इसकी ये बनाएंगे थोड़ी सी शेप दे देंगे इसको, हैंड्स को जैसे लगे कि इसकी फिंगर्स हैं, देखिए इस प्रकार से। और ये थोड़ा सा सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। और अब इसका एक डोरी बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से इसके हैंड्स, और अभी तो इसके फुट बनाएंगे, फिर इसके हैंड्स बनाएंगे नीचे से ऊपर तक, देखिए इस प्रकार से हम सीजर की हेल्प से इसके फुट बना देंगे, शेप दे देंगे फुट के आकार की इस प्रकार से। और फिर हम एक डोरी टाइप बना के देखिए इस प्रकार से इसको सेट कर देंगे, ये इसके हैंड्स हैं देखिए इस प्रकार से, देखिए इसकी आर्म है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको सेट कर दिया दोनों साइडों में। और 1-2 घंटे बाद फिर ये सूख जाएगी, देखिए अभी सूख चुकी है, 2 घंटे के लिए रख दी थी मैंने। तो मैंने इसका रेड कलर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको मैंने एक्रेलिक पेंट के साथ मैंने इसको चेंज कर दिया। और फिर ऑरेंज कलर देंगे हम इसको, पूरे में ऑरेंज कलर किया देखिए। और इसकी जो ईयर्स हैं इसमें छोटी छोटी पट्टी लगा दिए हैं ऑरेंज कलर के, और बीच में करेंगे अलग कलर, ये देखिए इस प्रकार से। अब आइज़ में हम वाइट कलर लेंगे, देखिए इस प्रकार से जो आइज़ की शेप है हमने उस टाइप से वाइट कलर किया है, ये देखिए। और फिर इसके जो चिक्स हैं उसमें हम ऑरेंज कलर में वाइट कलर मिक्स करके थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर बनाया है मैंने, फिर इसके चिक्स में किया है और अच्छे से कर लिया, देखिए मिक्स कर रही हूँ मैं दोनों कलर्स। और फिर इसके जो ईयर्स हैं उसमें भी सेम ही कलर रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर डार्क कर दिया था और थोड़ा बीच में हम लाइट रखेंगे, देखिए इस प्रकार से हमने बना दिया है। डबल कोट करेंगे ताकि ये ब्लैक ब्लैक ना दिखे। और ये टंग में करेंगे हम, देखिए पहले पिंक कलर किया मैंने, वो अच्छा सा नहीं लगा, फिर मैं अभी ब्लैक कलर इसकी आइस में आइस बना दूंगी गोल गोल बीच में। और ये जो इसकी नोज़ है, नोज़ को हम इस प्रकार से बना देंगे, ब्लैक कलर कर देंगे इसकी नोज़ में अच्छी तरह से कर देंगे दोस्तों। और इसके हैंड्स में कर दिया मैंने, देखिए
हैंड्स ने इसके ब्लैक कलर किया है और इसके फुट में भी हम ब्लैक ही कलर रखेंगे दोस्तों। देखिए थोड़ा आराम से करना होता है, नहीं तो फिर ये ऊपर लग जाती है, गंदी लगती है। इस प्रकार से आराम आराम से मैंने इसमें कर दिया। और ये हमारा पेन होल्डर लगा लो, या फिर हम प्लांटर भी बना सकते हैं इसका। ये हमारा बन के तैयार है। और बीच में छोटी छोटी सी लाइनें हम ईयर्स में ब्लैक की है मैंने। और ये देखिए हमारा प्लांटर, क्यूट सा प्लांटर बन के तैयार है। कैटी प्लांटर है ये मेरा। और यह पेन भी रख सकते हैं हम, कुछ भी रख लो इसमें। और काफ़ी सुंदर लगती हैं ये चीज़ें दोस्तों। ये इसमें इसको मैंने अंदर ही रखा है अभी। और अगर आपको पसंद आए हो दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। पसंद आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इसमें मैंने टर्टल वाइन और बोरचूल का डाल दिया है। और इसमें हम मैंने कुछ पेन होल्डर्स, जो मेरे मंडेला आर्ट के दो क्राफ्ट है, वो भी डाल दिया है मैंने। देखिए इस प्रकार से टूल्स हैं जो। थैंक यू।